जैन साथियों, मैं कमांडो जीवराज कमांडो डिफेंस एकेडमी की तरफ से आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूं। दौड़ने से पहले हम सब जूते का सिलेक्शन करते हैं। अगर हमें जूते के सिलेक्शन के बारे में संपूर्ण और सही जानकारी होगी तो हम अच्छी क्वालिटी का जूता खरीद पाएंगे और हम अपना फिजिकल और रनिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी देखें और डायग्राम के माध्यम से समझें। सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्यों, हम जूता क्यों खरीद रहे हैं, हमारा जूता खरीदने का पर्पस क्या है। हम रनिंग के लिए खरीद रहे हैं, स्पीड रनिंग के लिए खरीद रहे हैं या स्लो के लिए, या मैराथन के लिए खरीद रहे हैं, माउंटेन के लिए या जॉगिंग के लिए, रोड रनिंग है या ग्राउंड रनिंग है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जूता हमें खरीदना है। अगला पॉइंट है साथियों, सोल फ्लेक्सिबिलिटी। हम जो जूता खरीद रहे हैं उस जूते का सोल है वो सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे ये जूता है, इसका सोल बिल्कुल नरम और सॉफ्ट होना चाहिए ताकि आप रनिंग करते समय आपका पांव ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट महसूस करे जूते के अंदर। दोस्तों, अगला पॉइंट है गेट। गेट का मतलब है आप जब चलते हैं तो चलते समय आपका पांव का आगे वाले पांव की पहले एड़ी रखी जाती है, फ्लैट फुट रखा जाता है या आप पंजा रखते हैं, उस लैंडिंग के अनुसार शूज खरीदना पड़ेगा। इसको आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है वेट और लाइफ। एक जूते का वजन कितना होना चाहिए। एक अच्छे स्पोर्ट्स के जूते का वजन 200 से 300 ग्राम से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। साथियों, एक जूते की लाइफ, अच्छी क्वालिटी का जूता और पांव को सेफ रखने तक ये 1500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में रन कर सकता है। वो भी डिपेंड करता है कि उस जूते को आपने रोड पर इस्तेमाल किया है या ट्रैक पर इस्तेमाल किया है। दोस्तों, अगला पॉइंट है लैंडिंग साउंड। आपका जूता इस तरह का होना चाहिए कि जब आप रनिंग करते हैं तो रोड के ऊपर या ग्राउंड में धप धप की आवाज नहीं आनी चाहिए। जूते की लैंडिंग बिल्ली के पांव की तरह होनी चाहिए, उससे आपका पांव सेफ रहेगा। साथियों, अगला पॉइंट है फुट आर्च। फुट आर्च का मतलब है हमारे पांव की जो पत्तली है उसके अंदर बीच में गैप कितना है, इस गैप को आर्च बोलते हैं। किसका फ्लैट फुट होता है, किसी में आर्च मीडियम होता है, किसी में आर्च ज्यादा होता है, तो हमारे पांव के आर्च के अनुसार हमें शूज खरीदना है। अगला पॉइंट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब है आपका लैंडिंग के समय पांव का बेंड होना, आपकी पिंडली और पंजे के बीच में टेढ़ापन होता है, वो टेढ़ापन अंदर की साइड में या बाहर की साइड में, उसके अनुसार आपको शूज खरीदना पड़ेगा। अगर आपका पांव बाहर की तरफ मुड़ता है तो अंदर की साइड का सोल हेवी लेना पड़ेगा, अगर बाहर की तरफ है तो आपका बाहर की साइड का सोल हेवी लेना पड़ेगा। साथियों, अगला पॉइंट है मोशन कंट्रोल। मोशन कंट्रोल का मतलब यह है कि जब आप चलते हैं, आप चलना स्टार्ट करते हैं, रनिंग स्टार्ट करते हैं या रुकते हैं, उस समय आपको कंफर्ट लगना चाहिए। आपकी शूज पहनने के बाद में फीलिंग चेंज हो जाना चाहिए, कंफर्टेबल लगना चाहिए आपको, रनिंग और अच्छी इंक्रीज हो जाएगी उससे आपकी। साथियों, अगला पॉइंट है स्टेबिलिटी। जूते में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी जूते को अगर बीच में से तोड़ने हैं तो जूता बीच में होल्ड करना चाहिए, न आगे ना पीछे। अगर जूता आगे की तरफ झुकेगा तो स्टेबिलिटी इसकी आगे होगी, अगर पीछे झुकेगा तो स्टेबिलिटी इसकी पीछे होगी। अगर पीछे की स्टेबिलिटी है तो आपको एड़ी का दर्द होगा, सीन पेन होने की संभावना ज़्यादा है। अगर पंजे की स्टेबिलिटी है तो आपको बोट का दर्द है या पंजे का दर्द है उसके होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो आप जूता खरीदते समय जूते को बीच में से दो उंगलियों को उठा के देखें, उसकी स्टेबिलिटी मीडियम में होनी चाहिए। साथियों, अगला पॉइंट है कुशन। कुशन का मतलब होता है तकिया।
तकिए की तरह सॉफ्ट होना चाहिए, शॉल तकिए की तरह सॉफ्ट होना चाहिए। और शॉल भी दो प्रकार के होते हैं, इनर शॉल और आउटर शॉल। ये इसका आउटर शॉल है, ये दबना चाहिए इस तरह से। जितना शॉल सॉफ्ट होगा उतना ही जूता अच्छा माना जाएगा। ये है दोस्तों इनर शॉल, इसकी ऊंचाई 5 mm होनी चाहिए और यह सोल भी सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आप इसको एडिशनल एक्स्ट्रा अगर सोल खरीद के लगा सकते हैं तो भी कोई दिक्कत परेश नहीं है, आपका पांव सेफ रहेगा। साथियों अगला पॉइंट है इंश्योर प्रॉपर फिटिंग। आप जूता खरीदने से पहले जूते को पहन के चेक करें कि आपके पांव में जूता फिट हो रहा है। अगर जूता फिट नहीं हो रहा है तो आपके पांव को दिक्कत स्टार्ट कर सकता है। अगला पॉइंट है साथियों टो बॉक्स। टो बॉक्स का मतलब है जूते के आगे का इस हिस्से को टो बॉक्स बोला जाता है। आपका पंजा इसमें फिट होना चाहिए। फिट होने का मतलब आपकी उंगलियां या अंगूठा ओवरलैप ना हो, स्ट्रेट रहें और रिलैक्स रहें, तब ये आपका टो बॉक्स फिट माना जाएगा। अगला है दोस्तों गोर अटैच। हमारे अंगूठे के पीछे ये जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट के हिस्से में दर्द स्टार्ट हो जाता है। अगर जूता अच्छी क्वालिटी का नहीं है और इससे कैसे सॉफ्ट नहीं होगा तो ये जो अंगूठे के पीछे का दर्द है उसको बढ़ाने में सहायक होगा। तो आप जब ये जूता खरीदते हैं तो ये यकीन कीजिए कि जहाँ अंगूठे के मुड़ने का स्थान है उस जगह से यहाँ पर जगह सॉफ्ट और नरम होनी चाहिए। साथियों अगला पॉइंट है मिड सोल और आउट सोल, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। मिड सोल का मतलब है साथियों अंदर का जो सोल होता है उसकी फिटिंग आपके पांव के अनुसार होनी चाहिए। जैसे साइड में सोल है, आपके पांव का प्रेशर कहाँ कहाँ लगता है उसके अनुसार आपका मिड सोल होना चाहिए। जैसे अंगूठे में या पंजे में जहाँ ज्यादा प्रेशर बनता है वहां पर ये मजबूती से और उठा हुआ होना चाहिए। जैसे एडी में यहां पर ये सॉफ्ट होना चाहिए। अगला साथियों आउटसोल। आउटसोल को 3-4 लेयर में बनाते हैं। सबसे पहले इसकी बाहर की जो लेयर है ये हार्ड प्लास्टिक की बनाई जाती है। इसका बीच का हिस्सा है ये कुशन होता है, सॉफ्ट कुशन के तौर पर बनाया जाता है। उसके ऊपर भी जाली है, उसके अंदर इनर सोल सब लगाया जाता है। तो इसको 3-4 लेयर में बनाया होना चाहिए, जिसको आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। साथियों अगला पॉइंट है कैनवास या नेट। आपका जूता या तो कपड़े का बना होना चाहिए, अगर जूता कपड़े का नहीं है तो आपके जूते में आगे जाली लगी हुई होनी चाहिए। अभी जाली के नीचे के हिस्से में यहां पर चमड़ा लगा होना चाहिए जिससे कि जूता बहुत जल्दी नहीं फटेगा, लॉन्ग लाइफ चलेगा। अगर जूते में जाली नहीं है तो आपके जूते का वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा, जब दौड़ते हैं उसमें अंदर पसीना आता है, पसीना सूख नहीं पाएगा। तो इसके लिए जाली होना बहुत ही जरूरी है। जैसे मेरे पास में जितने भी जूते हैं उन सब में आगे के हिस्से में जाली लगी हुई है। साथियों दौड़ते समय लेस को किस तरह से बांधें, आप लेस की फिटिंग जूते के अनुसार रखें। अगर लेस ज्यादा टाइट बांधेंगे तो आपके पांव का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। जब एक धावक रनिंग करता है तो उसका पांव का थोड़ा थोड़ा सूजन आना स्टार्ट हो जाता है। जब रनिंग स्टार्ट करते हैं उसमें पांव में सूजन नहीं होती। जब मैराथन दौड़ने वाला बच्चा 20-25-30 किलोमीटर रनिंग करता है तो धीरे धीरे ब्लड का प्रेशर है वो पांव की तरफ चला जाता है और जिससे पांव थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप शुरू की लेस हार्ड बांध के चलेंगे तो अंत तक 20-25 या 30 किलोमीटर के बाद में उस पांव की सूजन है वो बढ़ती जाएगी। अगर आपसे निवेदन है कि लेस को थोड़ा सा लूज रखें या हाफ रनिंग करने के बाद में उस लेस को और रिलैक्स कर लें। लेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगला साथियों रेडियम। जो मेरे साथी रोड रनिंग करते हैं या जो रोड पर नाइट रनिंग करते हैं, लॉन्ग रनिंग करने वाले हैं या मैराथन करने वाले हैं,
उन साथियों से निवेदन है कि आप जूता खरीदते समय एक चीज का ध्यान रखें कि जूते के पीछे और टो पर रेडिंग लगा हुआ होना चाहिए, जिससे ट्रैफिक की लाइट में दूर से फॉक्स मारेगा या चमकेगा, ताकि आपकी सेफ्टी रहे। अगला साथियों, सॉक्स। आपकी जुराब लाइलोन की नहीं होनी चाहिए, सॉक्स आपकी कॉटन की या सूती होनी चाहिए, जिससे आपके पांव का पसीना सूख भी जाए। लाइलोन की सॉक्स आपको जल्दी थकाती है और उसमें पसीना ज्यादा आता है। साथ ही साथियों, जो लॉन्ग रनिंग करते हैं या जो मैराथन करते हैं, वो लोग सॉक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उससे थकान जल्दी आती है। तो आप सब अपना अपना सेटअप है कि आप लॉन्ग करते समय सॉक्स पहनते हैं या नहीं पहनते, लेकिन अगर सॉक्स पहनते हैं तो सूती पहनिएगा। साथियों, ब्रांडेड कंपनियां जब जूते का मेकिंग करती है, निर्माण करती है, तो वो सीधे सोल को नहीं बनाती है। सोल बनाते समय साइंटिफिक इफेक्ट है वो चेक किया जाता है। रनिंग करते समय पांव के किस हिस्से की ताकत कहां पर लगती है, किसका प्रेशर कहां ज़्यादा आता है, उसके अनुसार जूते का निर्माण करती है जितनी भी ब्रांडेड कंपनी है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप ब्रांडेड कंपनी का जूता खरीदें, चाहे आप कपड़े सस्ते पहन लीजिएगा, लेकिन रनिंग करते समय आपको जूता अच्छी कंपनी का होना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे पास 3 जोड़ जूते फिलहाल हैं, तीनों कंपनी के हैं और तीनों के पैरों अच्छे हैं, मेरी पांव में शरीर में कहीं कोई समस्या नहीं है। साथियों, समय समय पर हम आपके लिए यूजेबल वीडियो लेके आते रहते हैं, अतः आप वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट्स जरूर दें, ताकि वीडियो में और इम्प्रूव कर पाए और हमारी मेहनत आप तक पहुंच पाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद।